हेलो गाइस, मैं ओंकार सर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीएमडी के बारे में। सीएमडी मतलब कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में। जनरली आपने कमांड प्रॉम्प्ट का नाम सुना होगा, लेकिन काफी लोग जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि एक्चुअल में कमांड प्रॉम्प्ट होता क्या है और इसका यूज क्या होता है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देना। उससे पहले चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सीएमडी एक्चुअल में होता क्या है। सीएमडी का फुल फॉर्म होता है कमांड प्रॉम्प्ट। ये बेसिकली जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सीएमडी और कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से होता है। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो आपने कभी ना कभी तो देखा होगा, कभी आपके स्टार्ट मेन्यू में कमांड प्रॉम्प्ट, या आपने कभी सर्च किया हो तो वहां पे आपने कमांड प्रॉम्प्ट खोल के देखा होगा। वहां पे आपने देखा होगा पीछे ब्लैक ब्लैक स्क्रीन होती है, सिंपल सा होता है। ऐसा ऐसा कोई फैंसी टाइप का सॉफ्टवेयर नहीं होता है, बेसिकली सिंपल सॉफ्टवेयर होता है जिसका जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक होता है पूरा, और उस पर जो टेक्स्ट लिखते हैं वो व्हाइट कलर में लिखते हैं सिंपल। तो वहां पे जैसे ही आप खोलोगे पूरा ब्लैक मिलेगा, ऊपर कमांड लिखने के लिए एरिया मिल जाएगा जहाँ पे हमें कमांड के थ्रू ही सारा काम करना होता है। वहां पे हम कोई भी माउस के थ्रू काम नहीं कर सकते। ये बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस ही होता है। इसका मतलब होता है यहाँ पे केवल कमांड के थ्रू ही काम कर सकते हैं। बेसिकली दो टाइप के इंटरफेस होते हैं, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दूसरा कमांड लाइन इंटरफेस। इंटरफेस के बारे में आपको ज्यादा जानना तो इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको इंटरफेस के बारे में जानना है, जीयूआई क्या होता है, सीयूआई क्या होता है, इन सब के बारे में। जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो काफी यूजफुल टूल है हमारे विंडोज में, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि इसको हम किस तरह यूज करना, क्योंकि उन्हें बेसिकली और भी चीजों की जानकारी नहीं होती है। तो उन्हें क्या पता होगा कि इसका यूज क्या होता है। तो इसका यूज आज के टाइम पे भी हो रहा है। कई लोग सोचते होंगे ये फालतू में ऐसे ही दे दिया गया है, आज के टाइम पे इसका कोई यूज नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सीएमडी के थ्रू ही हो पाती हैं, विंडोज में नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। इन सारी चीजों के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के यूज बेसिकली कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर जो हमारी बैच फाइल होती है, स्क्रिप्ट वगैरह होती है, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए इसका यूज भी किया जाता है। अब कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू बेसिकली हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं। नॉर्मली जो काम हम माउस से करते हैं वो काम भी हम इससे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई नया फोल्डर क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे ना, माउस से अपना फोल्डर है वो क्रिएट कर लेंगे। तो वहां पे भी आप कमांड दे रहे हैं, बट वहां पे आप माउस के थ्रू कमांड दे रहे हैं, लेकिन सीएमडी में क्या होगा ना, हम कमांड टाइप करके देंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी हम कोई नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, उसकी भी एक अलग कमांड होती है। हर चीज के यहाँ पे एक अलग कमांड है। फोल्डर क्रिएट करने की अलग कमांड है, कॉपी करने की अलग है, डिलीट करने की अलग है, रीनेम करने की अलग कमांड है। तो इस तरह से अलग अलग कमांड है हर एक टास्क के लिए। तो जो भी काम आपको करना है वो कमांड आप टाइप कीजिए, उसके बाद वो टास्क हो जाएगा। उसके बाद इसका यूज नेटवर्किंग में काफी ज्यादा किया जाता है। जनरली हम जब दो नेटवर्क को क्रिएट करते हैं तो वहां पे हमें आईपी एड्रेस वगैरह देखने के लिए इसका यूज काफी ज्यादा किया जाता है। कई सारी ऐसी नेटवर्किंग की कमांड्स होती हैं जो कि हम सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वहीं से हम अपना नेटवर्क चेक कर सकते हैं, सही से कम्युनिकेट कर रहा है नहीं कर रहा है। जिन लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ी है उन्हें पता होगा कि कई सारी ऐसी कमांड्स होती हैं जो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे ही यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिंग कमांड हो गई, आईपी कॉन्फिग हो गई, नेट स्टेट हो गई, इस तरह की कई सारी नेटवर्किंग की कमांड होती हैं जो कि हम कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट करते हैं, और वहां से हम चेक करते हैं हमारा नेटवर्क सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करते हैं, बट ये सारी चीजें बेसिक जो यूजर है उसके क्या पता, उसके लिए तो यूजलेस ही है ना। तो इसलिए जो बेसिक यूजर होते हैं वो इसको यूजलेस समझते हैं, वो समझते हैं कि इसका कोई यूज है ही नहीं कंप्यूटर में। तो आज के टाइम पे मोस्टली इसका यूज नेटवर्किंग की कमांड्स वगैरह रन करने के लिए, या फिर हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको ट्रबल शूट करने के लिए, या फिर कोई रजिस्ट्री वगैरह में चेंजेस करने के लिए इसका यूज आज के टाइम पे मोस्टली किया जा रहा है। नॉर्मली फोल्डर क्रिएट करना, डिलीट करना, कॉपी पेस्ट करना, ये सब माउस से ही हो रहा है, पर जो एडवांस काम है जो नॉर्मल यूजर के काम के नहीं है, वो सारे काम आज के टाइम पे भी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ही होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका यूज क्या होता है। अब बात करते हैं कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई सा भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसके सर्च बार में आप सर्च करेंगे सीएमडी या फिर कमांड प्रॉम्प्ट, तो वहां पे आपको सीएमडी आ जाएगा, और वहां से आप रन कर सकते हैं। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो वो एज एडमिन ओपन हो जाएगा,
और वैसे आप नॉर्मली ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो एज ए एडमिन ओपन नहीं होगा। अब यहाँ पे भी कई सारी प्रॉब्लम आती है, अगर आप डायरेक्टली ओपन कर लेते बिना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किए हुए तो कई सारी कमांड है वहाँ पे काम नहीं करती हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी कमांड होती हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो सारी कमांड काम करती हैं, बिना एडमिन की परमिशन से वो कमांड एक्सिक्यूट नहीं हो सकती। तो इसलिए आपको मोस्टली रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ही आपका जो सीएमडी है वो ओपन करना है। दूसरा तरीका है इसको ओपन करने के, विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपको रन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसके बाद सीएमडी डॉट ईएक्सई डालेंगे, वहां से भी आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट को किस तरह ओपन करना है और इसका यूज क्या होता है। अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं किस तरह से कमांड इस पर रन करते हैं, तो आप गूगल पे जाइए, वहां पे आप सर्च कर सकते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट कमांड्स फॉर विंडोज, तो वहां पे कई सारी कमांड आ जाएंगी। लाइक आप कॉपी पेस्ट ये सारी चीजें कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, फोल्डर क्रिएट करना, डिलीट करना। यहाँ पे एक चीज होती है, अगर आप कोई भी चीज यहाँ से डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाती है। नॉर्मली हम कोई भी अगर बाई माउस कोई चीज डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, बट यहाँ से अगर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप कोई चीज डिलीट करेंगे तो वो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगी, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कोई भी चीज डिलीट करने से पहले। तो यहाँ पे आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं बेसिक कमांड्स की। अगर आप स्टार्ट सीखना चाहते हैं तो आप गूगल से इसकी कमांड्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।